मूवी में कजिन सिस्टर अपने भाई को एक टास्क देती है और कहती है कि तुम मेरे फ्रेंड को पताका टपाटप करते हो तो तुम मेरे साथ भी टपाटप कर सकते हो। तो आइए जानते हैं मूवी की फुल स्टोरी के बारे में। मूवी स्टार्ट होती है और हम सिबास्टियन को देखते हैं। उसके लिए किसी भी लड़की को पटाना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वह एक प्ले बॉय होता है। स्टार्टिंग में सिबास्टियन एक डॉक्टर के पास जाता है जो कि एक थेरेपिस्ट होती है। वह उसके साथ भी फ्लर्ट करता है। तभी डॉक्टर की बेटी का कॉल आता है और उसकी बेटी कहती है उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी फ़ोटो वायरल कर दी है। उसका नाम पूछने पर पता चलता है कि वो सिबास्टियन ही है। अब डॉक्टर ऊपर से उसे गाली देने लगती है। सिबास्टियन उसकी बातों को सीरियस न लेकर दूसरी लड़की के साथ वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम कैथरीन को देखते हैं जो सिबास्टियन की कजिन है। कैथरीन से मिलने उसकी फ्रेंड सेजल और उसकी माँ आती है। उसकी माँ अपने बेटी से कहती है तुम्हें कैथरीन की तरह बनना चाहिए। कुछ देर बाद सिबास्टियन वहाँ आ जाता है और सेजल की माँ सेजल को लेकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि सिबास्टियन काफ़ी बदनाम है। अब कैथरीन सिबास्टियन से कहती है तुम्हें मेरी फ्रेंड सेजल को पटाना होगा, पर सिबास्टियन उसे मना कर देता है क्योंकि उसे तो प्रिंसिपल की लड़की को पटाना था। तब कैथरीन आपर देती है कि अगर तुम सेजल के साथ फिजिकल रिलेशन बना लेते हो तो तुम्हें मेरे भी साथ फिजिकल होने का मौका मिलेगा। क्योंकि सिबास्टियन अपनी बहन कैथरीन को काफ़ी पसंद करता था इसलिए वह इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब अगले सीन में हम कैथरीन और सेजल को देखते हैं। सेजल कैथरीन से कहती है मुझे मेरे म्यूजिक टीचर से प्यार हो गया है और प्यार में क्या क्या होता है मुझे कुछ भी नहीं पता। तब कैथरीन सेजल को किस करना सिखाती है। अब अगले सीन में सिबास्टियन कैथरीन के पास जाता है और उससे कहता है मैं सेजल के साथ फिजिकल रिलेशन बनाऊंगा क्योंकि सेजल की माँ कई लड़कियों के पीठ पीछे मुझे बदनाम कर रही है और मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। अब कैथरीन सेजल के माँ के पास जाकर सेजल के म्यूजिक टीचर के अफेयर वाली बात बता देती है। अब सेजल की माँ म्यूजिक टीचर को वहाँ से निकाल देती है। अब कैथरीन और सिबास्टियन म्यूजिक टीचर के घर जाते हैं और वो म्यूजिक टीचर से सुजैल को एक लव लेटर लिखने को कहते हैं। वो ऐसा सुजैल को अपने घर बुलाने के लिए करते हैं क्योंकि सिबास्टियन उसके साथ फिजिकल हो सके। म्यूजिक टीचर के लव लेटर भेजने के बाद सुजैल सिबास्टियन के घर आ जाती है जहाँ पर सिबास्टियन उसके साथ डांस करते हुए कुछ फ़ोटो क्लिक कर लेता है। अब ये बात सेजल कैथरीन को बताती है तुम्हारे भाई ने मेरी फ़ोटो क्लिक की है। तब कैथरीन सेजल को कहती है सिबास्टियन को टपाटप की बहुत नॉलेज है, वह तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता है जिससे तुम अपने म्यूजिक टीचर को खुश कर सकती हो। सेजल कैथरीन की बात मान लेती है और उसके साथ टपाटप करने को रेडी हो जाती है। अब अगले सीन में हम एनन नाम की लड़की को देखते हैं जिससे सिबास्टियन प्यार करने लगता था, पर एनन अभी कंफ्यूज थी इसलिए वह वहाँ से चली जाती है। अब शाम को सिबास्टियन एनन के पास आता है और कहता है मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। तब एनन अपने प्यार का इजहार करते हुए सिबास्टियन को किस कर लेती है और फिजिकल होने के लिए इन्वाइट करती है, पर सिबास्टियन उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में सिबास्टियन कैथरीन को एक लड़के के साथ फिजिकल होते देख लेता है और कैथरीन सिबास्टियन से फिजिकल होने की कोशिश करती है पर वो उसे मना कर देता है। अब कैथरीन एनन से शर्त वाली बात बता देती है और यह सुन एनन सिबास्टियन से ब्रेकअप कर लेती है। अब सिबास्टियन वापस आकर कैथरीन से कहता है हम फिजिकल हो सकते हैं क्योंकि मेरा एनन से झगड़ा हो गया है। कैथरीन उसे मना कर देती है और कहती है मैं किसी लूजर को रिलेशन नहीं रखती। अब वह बौखला कर एनन को बहुत कॉल करता है पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है। अब सिबास्टियन एक डायरी और लेटर के साथ एनन के यहाँ रख कर चला जाता है। डायरी पढ़कर पता चलता है कि ये सारा किया धरा कैथरीन का है। पूरी रात सिबास्टियन एनन के घर के बाहर इंतज़ार करता है पर एनन बाहर नहीं आती है। अब अगली सुबह एनन सिबास्टियन को ढूंढते हुए बाहर आती है। सिबास्टियन वहाँ से जा चुका था
आगे चलकर सेबेस्टियन का म्यूजिक टीचर से झगड़ा हो जाता है। एनन सेबेस्टियन को बचाने के लिए भागती है और झगड़ा छुड़ाने में गिर जाती है। उसका कार से एक्सीडेंट होने वाला होता है, तभी उसे सेबेस्टियन बचा लेता है और उसी कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मरते मरते वह अपने प्यार का इजहार एनन से कर जाता है। अब अगले सीन में एनन ने सेबेस्टियन की डायरी की कॉपी पूरे कॉलेज में बांट दी थी। सच्चाई सामने आने पर उसे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाता है और यहीं पर मूवी की एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।